चार कमियां भरते, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि नियमित रूप से रोज की दिनचर्या एक बनाओ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। खड़ा कर ले। अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए, क्योंकि बीच में बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ, पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए घुटने पर्वतासन, दो हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे खींचिए, पांच पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन में वृद्धि होती है, पांच पर्वतासन, तीन श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, नौ बाएं पैर को आगे लाते हुए पूरा छोड़िए। आज के इस स्वामी विवेकानंद जी के 150 वर्ष पूरे हो गए और उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जी का जो ज्ञान और योग, इसके ऊपर जो उनका संदेश है, वो युवा छात्र और छात्राओं को देना आवश्यक है। संस्कार के कारण ही हमारा जीवन अच्छा बनता है। संस्कार अगर नहीं है तो मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं है। उनके भी हाथ पांव सब कुछ होते हैं, वो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनमें विवेक बुद्धि नहीं होती। इसलिए विवेक बुद्धि के द्वारा ज्ञान का अर्जन करना और अपने शरीर को योगी बनाना, यही संदेश है। योगी बनाना है, भोगी नहीं बनाना है। बाकी के लोग कहते हैं कि हमको ये ड्रिंक एंड बी मैरी करना है, तो भोगी संस्कृति है और ये योगियों की संस्कृति। भोजन तो करना जितनी आवश्यकता है। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चला जा रहा और बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ की बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं तो ये तो रूटीन में रहना चाहिए ना। हम तो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, सड़क नाप रहे हैं, कहीं तालाब की सफाई करवा रहे हैं, कहीं झुग्गी झोंपड़ी में जा रहे हैं, सड़क नाली बिजली पानी, ये तो दैनिक कार्य में शामिल है। और इसके इससे क्या होता, काम जल्दी हो। अभी मैं बैठक लेकर के आया हूँ ये सुरक्षा सप्ताह की, उसमें हमने नगर निगम के अधिकारी और BDA के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, PWD के अधिकारी, इन सबको बुलाया कि भाई सड़क ठीक होना चाहिए, फुटपाथ के ऊपर साफ सफाई होना चाहिए, सड़क के ऊपर ईंट और रेत मिट्टी की बिखरना नहीं चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। ये तो रोज का कार्यक्रम। अरे आदमी की नियत साफ होना है तभी लाभ मिलेगा। तो कानूनी कार्रवाई सब हो रही है।